जी पाँ पाँ क्यों शुरू हो गई क्योंकि मैं बड़ा गया यार पां पां तो ना जान छुड़ाओ पाकिस्तान रह कल मैंने बड़े डिसेंट तरीके से एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की कोशिश की लेकिन ये इंजाम हुआ असल उम्र हमारे साथ मौजूद हैं <laughs> कैसे इतफाक की बात है कि पाकिस्तान को अगस्त के महीने में आजादी नसीब हुई और पाकिस्तान में यही अगस्त का महीना बरसात का महीना भी है इसलिए कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकल आती हैं योम आजादी पर कि बेख्तियार मुंह से निकल जाता है ये तो टट्टी है गुजश्ता दिनों चौदह अगस्त यानी कि आजादी का दिन बहुत ही बेढंगे तरीके से मनाया गया आजकल की बीवियां इतनी चैन चैन नहीं करती जितनी लोगों ने कल पा पा कर छोड़ी है जमीनी और फिजाई लूदगी फैलाने में नंबर वन कौम ने कल सोती लूदगी का गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया लिए तालियन

<laughs> खैर पहले ही हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है हम भी स्नैक वीडियो की तरह बजाय नेगेटिविटी फैलाने के पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो आइए सबसे पहले इस बच्चे पर नजर डालते हैं कि जिसको बाजा बजाने से मना किया गया तो उसने आगे से क्या कहा <laughs> इससे ये अच्छी बात सामने आती है कि इमरान खान की में लोग अपने हक हाँ के लिए बोलना शुरू हो गए हैं तो सही बात है भाई, उसका मुंह है उसका बाजा है अपने बाप के टैक्स के पैसों से बनी सड़क पर खड़े होकर बजा रहा है तो तू वे मामा लगता है वो वहां खड़ा होकर आजादी मनाए बाजा मारे पाद मारे तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले डॉक्टर लॉयर टीचर फॉर्मर गेमर। अब जरा नजर डालते हैं इस अम्मा जी पर इस उम्र में आमतौर पर ऐसी आंटियों को चलने के लिए छड़ी की जरूरत होती है लेकिन उस छड़ी से बड़ा बाजा हाथ में पकड़कर चिंची पे खड़े होकर स्टंट मार रही है को कान में बाजा, बाजा कर उनके कान फाड़ रही है ऐसी आंटी से बंदा पूछने का आंटी आजकल क्या करती है तो आगे से कहती है पोत मैं की करना हूं कुछ करने नहीं देते लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि ये आंटी बाहर आकर एंजॉय कर रही है एटलीस्ट घर बैठ के बहू की चुगलिया नहीं कर रही आ, निया, मेरी अब इस वतन भाई पर नज़र आपने ऊंची दुकान फीका पकवान वाला मुहावरा तो सुना होगा अब ये लंबा डंडा और छोटे झंडे वाला भी देख ले ऐसे <laughs> लोग कुछ ऐसी ही वजूहात की बिना पर शादी से भी कतराते रहते हैं वैसे जो भी है इस भाई साहब ने सही पाकिस्तान की अकाशी की है वो जो आपको छोटा सा झंडा ऊपर नजर आ रहा है उसको आप जमुई समझ लें और नीचे वाले डंडे का तो आपको पता ही है समझ रहो? समझ रहे समझ रहे हो हो ना लेकिन माने ना माने पाकिस्तान की ढीठ वाम के लिए यही रियाती मॉडल बेस्ट है मैं नहीं अब आखिर में बात करते हैं सबसे ज्यादा शेयर होने वाली वीडियो के बारे में जो कि कायद आदम का डुप्लीकेट है वीडियो को देखें तो पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि कायद खुद मिजार से उठकर लोगों का हौसला बढ़ाने सड़कों पर निकल आए हैं और ये डुप्लीकेट इतना रियल लग रहा था कि शायद कायद भी खुद अपनी लाइफ में इतने रियल ना दिखते हो लोगों ने इसको बहुत बुरा भला कहा बहुत सारी गालियां भी दी लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी और वो ये कि ये बंदा बहुत ही ग्रेसफुली इस करेक्टर को निभा रहा था इसने कोई वलगर हरकत नहीं की कुछ ऊट पटांग हरकत नहीं की और ना ही कुछ ऐसा बोला जिससे कायद के वकार को या करेक्टर को नुकसान पहुंचे इसलिए ये साहब जो है वो तरीके के मुफ्तिक हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल उमर सलीम को सब्सक्राइब कीजिए इन आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़